सब्सक्राइब करें न्यूज 89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद। आपको पता ही है कि पिछले काफी दिनों से पटेल स्कूल की प्रिंसिपल अंजलि सिंह का मामला काफी चर्चा में चल रहा है, जिसमें अंजलि सिंह ने राजपुरा के विधायक सरदार हरदयाल सिंह कंबोज व पटेल मेमोरियल मैनेजमेंट सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी महिंदर सहगल पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता की थी। उसी मामले को लेकर भाजपा पंजाब के उप प्रधान व राजपुरा से भाजपा टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ चुके सरदार हरजीत सिंह गरेवाल ने प्रिंसिपल अंजलि सिंह का मामला अपने हाथों में लेकर पहले एक निजी न्यूज चैनल की डिबेट में और फिर अपने भाजपा पार्टी के राजपुरा में बने दफ्तर में अकाली भाजपा के कई बड़े नेताओं व पटेल स्कूल की प्रिंसिपल अंजलि सिंह को अपने साथ बिठाकर अपने राजसी दुश्मन सरदार हरदयाल सिंह कंबोज को घेरने की कोई कसर न छोड़ते हुए उनके बारे में काफी गलत शब्दों का प्रयोग कर स्कूल की प्रिंसिपल अंजलि सिंह को अपनी छोटी बहन बताते हुए उन्हें हर तरह का इंसाफ दिलवाने व उनके लिए राजपुरा के टालीवाला चौक पर धरना लगाने तक की बात सैकड़ों लोगों के सामने कही थी, जो राजपुरा सहित पूरे पंजाब की जनता ने न्यूज चैनलों पर सुनी और देखी थी। आज उसी मामले में एक नया मोड़ आया जब भाजपा पंजाब के उप प्रधान सरदार हरजीत सिंह गरेवाल ने एक प्रेस वार्ता रखी और उस प्रेस वार्ता में पटेल स्कूल की प्रिंसिपल अंजलि सिंह के मामले में अपने आप को व पार्टी को पीछे हटाते हुए पहली बार राजपुरा के विधायक हरदयाल सिंह कंबोज को सम्मानित शब्दों का प्रयोग करते हुए सरदार हरदयाल सिंह कंबोज कहते हुए क्या कहा, आप खुद ही सुनिए। सर, कॉलेज वाले मुद्दे से गल कर ली जी। सर हुण की अपना अगला स्टेप की होगा, उन्होंने प्रिंसिपल नु कटता जी पटेल कॉलेज चो स्कूल ही चो। देखो असि एक फैसला किया, हां जी हां जी, बैठ के और हाई कमांड नाल असि बैठे सी। साड़ी पार्टी ने असि कोई छोटी राजनीति करते नहीं है, कई चीजां च कई बार हो जाता। असि एक तो किसी भी इंडिविजुअल के खिलाफ कोई चीज नहीं करनी, जो करनी है वो पार्टियां के खिलाफ के उन्होंने नीतियां की ने की गलत कर रहे हैं। ये अदारे जिहड़े ने ये अपना काम आप देख, कानून अपना काम करता, असी उस कोई इंटरफेयर भी नहीं करते और किसी से जाति जोड़ा है वो असी इस तरह का काम नहीं करना। और दूजी गल जी पार्टी का जोड़ा फैसला होंगे अनुशासन च रहना हर कार्यकर्ता का काम। मैं भी कार्यकर्ता है, ठीक है, मैं सीनियर वाइस प्रेजिडेंट हाँ, पर पार्टी का अनुशासन तो मनना है। पार्टी ने फैसला किया कि किसी भी इंडिविजुअल के खिलाफ कोई ऐसी गल नहीं करनी। मतलब प्रिंसिपल का साथ नहीं देंगे, मतलब बीजेपी प्रिंसिपल का साथ असि की देना, वो तो मैनेजमेंट ने काम किया। हाँ जी, कोर्ट जाओ, कोर्ट कानून अपना काम करो, वो असि की करना। उस तो पहला ही विचारता हो गया सी, पर असि बाद बैठ के पूरी गंभीरता विचार किया कि जे कोई यहोजा मुद्दा आता तो पहला असि समूहिक बैठांगे, बैठ के अपना फैसला लवेंगे असं की करना। कई बार जल्दबाजी से कई काम गलत बंदों की भी मदद हो जाती है, वो फिर साड़ी पार्टी के अक्स पर असर पैदा उसका। दूसरा कोई सरदार हरदयाल सिंह जिहड़े आ इत्थों MLA ने, उन्होंने साड़ी कोई जाति दुश्मनी नहीं है, पहली गलत है। असी जो कोई विरोध करांगे तो उन्होंने कामों का करांगे, काम किदे आ कांग्रेस पार्टी के, तो कांग्रेस पार्टी का विरोध करांगे। असी जातिगत विरोध किसी का क्यों करिए, निजी विरोध क्यों करिए, वो छोटी राजनीति हो जाती है। कि कई बार की होंगे कोई बंदा साढ़े को आया, जे कला बंदा फैसला लैंदा ना तो वो फैसले नाल गलत फैसला हो जाता, तो सानू पता नहीं लगता। हो सकता नागपाल जी को इस चीज़ की ज्यादा जानकारी हो, किसी धीमान साहब न हो, किसी न हो, सर ये हो सकता भी प्रिंसिपल बारे थोड़ी पार्टी ने बाद पता लगाया हो, भी प्रिंसिपल की गलती हो सकती है। स्कूल जी टीचर और स्कूल दे मतलब जो स्टाफ है मैडम दे काफी खिलाफ बोल रहे हैं, और गल्लां सामने आ रही है, इस करके बीजेपी जी अपना कदम पीछे कर रही है इस मामले में। ना ऐसे कोई कमेंट्स ने साडे, असी इस विषय ते ज्यादा कमेंट्स करने नहीं, जो असी करना सी वो करता। जिथे साडा चैप्टर क्लोज, मतलब प्रिंसिपल मैडम वाला चैप्टर क्लोज करता, बीजेपी कानून अपना काम कर रहा जी, ओदे चमन सिंह की तरह के उन्होंने करता, कोर्ट अपना काम करूगी, अदालत अदालत देखूगी, जे गलत होया उन्होंने बाहर कर दू, जे सही होया तो वो बाकी उन्होंने कानूनी चाराजोई जी बाकी कामों च कर रहे हैं वो अपनी कर रहे हैं, वो जांच होजूगी, जिहड़ा दोषी होगा सामने आजूगा उन्होंने सजा होजूगी। ठीक है, हम असी ना तो कोर्ट का काम कर सकते हैं, असी कोर्ट भी नहीं है, असी पुलिस भी नहीं है, असी कोई होर भी अदारा नहीं है, असी तो एक पोलीटल पार्टी है, पोलीटल पार्टी का जिन्ना काम होंगे प्रोटेस्ट करना असी करता, साडा होर कोई काम नहीं है कि भी असी किसी का इंडिविजुअल ज्यादा इस तरह दोष लाते रहिए जो गल करते पार्टी पार्टी का दस उन्हें ना तो सू पहला अप्रोच किया, ना ही उन्हें बाद च किया, तो ना ही असी उसनों किया। उस दिन वो रिक्वेस्ट करते धरने च आ गई, ये बहुत बहुत धन्यवाद, तो नहीं तो साड़ी भी मिट्टी उड़ती जिस तरह असं काम कर लिया जल्दबाजी, नहीं तो साड़ी भी मिट्टी उड़ती जिस तरह असं काम कर लिया जल्दबाजी। ठीक, सूत्रों से पता लग रहा है भी ये दो दिन तक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, भी
ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਦਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਲਾ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵੀ ਲਾ ਲੈਣ ਉਹ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੂਮੈਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਫਿਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਧਰਨਾ ਰੱਖਤਾ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗਲਤੀ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੱਤੀ ਬਣਾਈ ਆ ਇਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਰ ਅੱਜ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਜੋ ਕੱਢਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੋਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਰ ਕੀ ਗਲਤ ਜੇ ਹੋ ਗਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਈ अब जहां पटेल स्कूल की प्रिंसिपल अंजलि सिंह ने कुछ दिनों पहले अपने मामले में भाजपा को अपनी ढाल बनाकर राजपुरा के विधायक सरदार हरदयाल सिंह कंबोज व सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी महिंदर सहगल को राजपुरा ही नहीं बल्कि पूरे पंजाब में गंभीर आरोप लगाते हुए बदनाम किया था अब भाजपा पार्टी व सरदार हरजीत सिंह गरेवाल ने अपने आप को इस मामले से दूर रखते हुए क्या कुछ कहा आप लोगों ने खुद सुना अब राजपुरा के विधायक सरदार हरदयाल सिंह कंबोज व पटेल मेमोरियल मैनेजमेंट सोसाइटी इस मामले को कितने गंभीरता से लेते हैं और क्या विधायक सरदार हरदयाल सिंह कंबोज व मैनेजमेंट सोसाइटी पटेल स्कूल की प्रिंसिपल रही अंजलि सिंह पर कोई कड़ी कार्रवाई करते हैं या नहीं क्या प्रिंसिपल अंजलि सिंह इस मामले में अब कौन सी पार्टी या संस्था का सहारा लेती हैं ये तो आने वाला समय ही बताएगा मगर आप लोग बने रहे आपके अपने वेब न्यूज चैनल न्यूज 89 के साथ कैमरामैन ललित कुमार के साथ मीडिया पर्सन संदीप चौधरी न्यूज 89 सब्सक्राइब करें न्यूज 89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए धन्यवाद